अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मौजा मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। हम लोग आज एक बहुत ही कॉमन इशू पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज वेजिनल डिस्चार्ज या लिकोरिया। वेजिनल डिस्चार्ज या लिकोरिया होता क्या है? वेजिनल डिस्चार्ज या लिकोरिया, वेजिनल डिस्चार्ज जो है ये बेसिकली हर फीमेल के वजाइना में जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। हर फीमेल या हर लड़की ऑलमोस्ट जो है वो कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी वक्त भी इस चीज़ का जो है वो शिकार होती है। और इस पे जो है बहुत ज़्यादा मिथ्स भी बनाई हुई हैं लोगों ने। एक तो ये कि लोगों को लगता है कि अगर वजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर से जो हड्डियाँ हैं वो घुल रही हैं और बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन ये कि बेसिकली सब जानते हैं कि जो विजाइनल ऑर्फिसिस है, विजाइनल केनाल है, वो हमारे जिस्म का एक अंदरूनी हिस्सा है जिसका वेट रहना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि डिफरेंट किसी भी तरह के इन्फेक्शन से जो है वो बचा जा सके। रिप्रोडक्टिव एज, जब फीमेल की बच्चियों की रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है, उसमें जब पीरियड्स का साइकिल स्टार्ट होना शुरू होता है, पीरियड्स आना शुरू होते हैं, तो उसमें ये होता है कि हॉर्मोन्स का एक इंटरप्ले स्टार्ट हो जाता है। उसमें आप अंडादानी का मुंह है, बच्चेदारी के मुंह है, सर्विक्स वगैरह है, हर चीज का इसमें इस पर जो है वो असरअंदाज हो रहा होता है हर चीज पे। तो इसमें जो है अगर वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह इस तरह की सिचुएशन में हो रहा है, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस वगैरह आ रहे होते हैं, तो उसमें ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। दूसरा ये कि हार्मोन लेवल पे डिपेंड कर रहा होता है वजाइनल डिस्चार्ज। अगर हार्मोनल लेवल जो है वो एक हायर साइड पे जा रहा है, जो कि यंग बच्चियों में रिप्रोडक्टिव एज में बहुत कॉमन चीज है, तो उसमें अगर वजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में भी हो रहा है तो ये कॉमन चीज है। पीरियड्स स्टार्ट होने से 7 से 10 दिन पहले जो है वो वजाइनल डिस्चार्ज अगर होता है, उसमें ये होता है कि थोड़ा सा जो है वो क्वालिटी जो है उसकी चेंज होती है, थोड़ा ज्यादा मिकदार में होता है, या फिर ये होता है कि उसमें वो ग्लेसदार होता है। लेकिन ये कि पीरियड्स होने से जस्ट पहले वो थोड़ा थिक हो जाता है या फिर टुकड़ों की शक्ल में भी आ जाता है, तो ये सब कुछ जो है वो हार्मोन के उस पे जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन हो रहा होता है। दूसरा ये इसका मतलब ये कि हर चीज जो है वो वेजिनल ट्रैक के अंदर हो रही होती है। ये आपका इसमें हमारा वेट रहना, इन सब चीजों का होना जरूरी होता है ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से जो है वो बचा जा सके। तो इस तरह का जो कॉमन एक नॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज है उसको ट्रीट करवाने की जरूरत जो है वो नहीं होती, जब तक उसके साथ साथ आपको कोई किसी भी और तरह की जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ रही हो, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई इचिंग वगैरह ना हो रही हो या जलन वगैरह ना हो रही हो। तो उसमें आपको जो कॉमन नॉर्मल आपकी रूटीन में होता है उसको हमें इतना ट्रीट करवाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन और दूसरा एक और चीज ये कि अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं, अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने वालों में भी होता है कि अगर ये डिस्चार्ज किसी को होता है तो उसमें इसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर ये होता है कि हल्की सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें भी ये होता है कि हार्मोन ये इसमें चेंजेस हो जाती है डिस्चार्ज में। और उसके साथ साथ फिर अगर आपको ये फील हो कि उसमें आपको इचिंग हो रही है या ड्राइनेस हो गई है, या फिर जो है वो जलन वगैरह हो रही है, रैशेज हो गए, या आपके लोअर एब्डोमेन में पेट के निचले हिस्से में कोई दर्द वगैरह फील हो रहा है, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप इसको ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करें, ताकि इसके अकॉर्डिंग जो भी रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो आपको डॉक्टर बताए।